देश को अस्थिर सरकार और कमजोर प्रधानमंत्री देना चाहती हैं और ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। एक समय में माननीय श्री डोडेगौड़ा देवगौड़ा जी को देश का प्रधानमंत्री बना करके 6 महीने के अंदर उनको गिराया, उसके बाद श्री इंद्र कुमार गुजराल जी को बना करके उनको गिराया, फिर श्री चौधरी चरण सिंह जी को बना करके गिराया और उसके बाद श्री चंद्रशेखर जी को बना करके गिराया। इस अस्थिरता के कारण देश को बड़ी हानि हुई, आर्थिक रूप से पीछे चले गए, सामरिक रूप से आंतरिक और बाह्य शक्तियां हमारे ऊपर हावी हुई और देश को सोना गिरवी रख करके अपना काम चलाना पड़ा। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी स्थिर सरकार और मजबूत प्रधानमंत्री देना चाहती है। कांग्रेस का हिडन एजेंडा वो सामने आ गया। गांधी नेहरू परिवार के गुरु माने जाने वाले सैम पिट्रोडा जी ने और इस बात की वकालत की है कि अमेरिका की तर्ज के ऊपर हमारे देश के अंदर वेल्थ टैक्स लगना चाहिए। अब ये जितनी भी सफाई दे दिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और सबको पता लग गया है ये क्या करना चाहते हैं।